तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमेंट मोर्टार कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जिस तरह से कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, उसी तरह से मोर्टार का भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं कि सीमेंट और सैंड का रेशियो, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 1:3 से लेकर 1:8 तक का रेशियो हमने लिया है, कि उसका डिफरेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा और उसका यूज़ क्या है और किस पर्पज़ में हम लोग किस तरह के रेशियो को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन 28 डेज में कितना मेगा पास्कल आता है या फिर कितना न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आता है वो देखते हैं। तो अगर हम सीमेंट और सैंड को 1:3 के रेशियो में अगर मिक्स करते हैं तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज में 10 मेगा पास्कल या 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर उसका होता है, उसका स्ट्रेंथ आ जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। उसका यूज़ जनरली हम लोग क्या कहाँ कर सकते हैं, रिपेयरिंग में ज़्यादातर करते हैं 1:3 का रेशियो का यूज़, या फिर ब्रिकवर्क में भी यूज़ करते हैं हम लोग ब्रिकवर्क में, लेकिन कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पर सीवर कंडीशन होगा, ब्रिकवर्क इन सीवर कंडीशन। तो उस तरह के केस में हम लोग 1:3 का भी यूज़ कर देते हैं, बट जनरली हम लोग क्या है, रिपेयरिंग के कंडीशन में हम लोग 1:3 का रेशियो का हम लोग यूज़ करते हैं। तो दूसरा देखते हैं 1:4। ओके, 1:4 का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा 28 डेज में 7.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर या फिर 7.5 मेगा पास्कल। ठीक है, तो इस तरह से 1:4 का हम लोग यूज़ जनरली हम लोग करते हैं सीलिंग प्लास्टर में, हम लोग इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं सीलिंग प्लास्टर। ओके, क्योंकि सीलिंग प्लास्टर में क्या होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होता है, सो दैट्स द रीज़न हम लोग यूज़ करते हैं 1:4, क्योंकि वो सीलिंग का प्लास्टर क्या होता है, वो RCC का मेम्बर होता है, सो उसके लिए 1:4 का ही रेशियो हम लोग को यूज़ करना होता है, जो कि वो एक स्टैंडर्ड है। और तीसरा हम लोग देखते हैं 1:5 का रेशियो हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास 5 मेगा पास्कल या फिर 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर 28 डेज में उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा। मतलब ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं 1:3 का जैसे रेशियो है 10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर या फिर इसके ऊपर आना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसके ऊपर होना चाहिए। इस तरह से 1:4 के रेशियो में भी 7.5 या फिर 7.5 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तब जाके ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका अच्छा होगा। तो सिमिलरली वे 1:5 का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज में कितना होगा, 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। जनरली हम लोग इसका यूज़ करेंगे, मतलब हम लोग प्लास्टरिंग में तो यूज़ करते ही है, बट प्लास्टरिंग में यूज़ करेंगे ब्रिकवर्क का, तब यूज़ करेंगे जब इसका यूज़ हम लोग इंटरनल वॉल प्लास्टरिंग में यूज़ करते हैं, इसका इंटरनल वॉल प्लास्टरिंग। ओके, इंटरनल वॉल प्लास्टरिंग में हम लोग 1:5 का यूज़ कर सकते हैं। 1:6 का भी यूज़ है, 1:6 का रेशियो अगर हम लेते हैं तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा 3 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ओके, 28 डेज में इसका भी यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, इंटरनल वॉल प्लास्टरिंग में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, बट दोनों के लिए कंडीशन अच्छा होता है कि अगर आप प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को देखें कि 1:5 और 1:6 तो दोनों को कब कब लेना है। 1:5 को हम लोग तब लेते हैं कि जहाँ जब फाइन सैंड अवेलेबल नहीं होता है, क्या जब फाइन सैंड नॉट अवेलेबल ऑन साइट। ठीक है, फाइन सैंड नॉट अवेलेबल तो हम लोग क्या लेते हैं, 1:5 लेते हैं। इसलिए 1:5 लेंगे कि अगर फाइन सैंड नहीं रहेगा, अगर वो कोर्सर सैंड रहेगा तो क्या होगा कि हम मिक्स रेशियो अगर 1:6 लेते हैं तो वहाँ पे क्या है कि वो मटेरियल अच्छा नहीं दिखेगा। सो उसके वजह जितना ज़्यादा सैंड फाइन रहेगा उतना ज़्यादा मटेरियल वो अच्छा दिखेगा आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, तो 1:6 भी हम लोग 1:6 कब ले सकते हैं, जब फाइन सैंड अवेलेबल रहेगा इंटरनल वॉल के प्लास्टरिंग के लिए, फाइन सैंड अवेलेबल। तो इस तरह के केस में हम लोग एक रेशियो बढ़ा भी सकते हैं अगर सैंड अच्छा है तो, अगर सैंड अच्छा नहीं है तो 1:5 का ही लेंगे अगर कोर्सर अगर सैंड हो तो दोनों का यूज़ हम लोग इंटरनल वॉल प्लास्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली 1:4 जो हमने बताया था अभी 7.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, जिसका हम लोग यूज़ सीलिंग प्लास्टर में करते हैं और एक्सटर्नल वॉल प्लास्टर में भी करते हैं, एक्सटर्नल वॉल प्लास्टर। ओके, इसमें हम लोग 1:4 का यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे मेरा 1:7 और 1:8। 1:7 का अगर हम लोग यूज़ करें तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज में 1.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर आना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं और अच्छा है। ठीक है, तो
और सीमेंट रिलीव है 1:8 का रेशियो, उसका मिनिमम कितना आना चाहिए 0.7 मेगा पास्कल 28 डेज में उसका स्ट्रेंथ आना चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा भी हो बट इतना आना चाहिए 0.7 आना चाहिए। सब में जितना वैल्यू हमने लिखा इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। जनरली दोनों का हम लोग यूज करते हैं, फ्लोरिंग के केस में हम लोग 1:7, 1:8 का यूज़ करते हैं, या फिर वाटर बॉन्ड बनाना हो या फिर 1 वाटर बॉन्ड, ठीक है, वाटर बॉन्ड अगर हमको बनाना हो तो उस तरह के केस में भी हम लोग 1:7, 1:8 का रेशियो लेकर के हम लोग बनाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।